साथियों को नमस्कार। जैसा कि जोधपुर की लिस्ट आ गई है तो कई सवाल आ रहे हैं लोगों के, मेरे पास कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप सभी का जो है अब जवाब दे रहा हूँ। पहला जवाब सवाल तो ये आया था कि ये लिस्ट फेक है। एक लड़की जो भी कमेंट था, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने ये कमेंट किया था कि आपके अलावा किसी भी यूट्यूबर ने ये वीडियो नहीं डाला है या ये लिस्ट नहीं डाली है। तो मैं उनको या उनके जैसे जितने भी हैं उनको सभी को कह दूँ कि ये एक ऑफिशियल लिस्ट है और आपने हमेशा से मेरी जितनी भी जानकारी दी उसको फेक माना, तो आप इसको फेक मानो बिल्कुल। अगर आपका इसमें नाम हो तो आप ज़रूर इसको फेक मानो, मेरे लिए तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। और जो नहीं मानते उनको मैं अभी प्रूफ दूंगा कि ये फेक नहीं है, कि इसलिए। तो आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा, जोधपुर ज़िला की ये लिस्ट है और ये है ग्रामीण वाली, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वाली ये लिस्ट है। अभी मेट्रो वन की लिस्ट नहीं आई है। इसमें आपको पूरे आपके नाम के साथ में 54 जो है लोगों की लिस्ट है। उन सबसे पहले तो उन सभी को हार्दिक बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जो लिस्ट सबसे पहले आई है और आपको ज्वाइन करना है। अब उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में सभी को लेकर थोड़ी सी थोड़ी चिंता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज तक की जितने भी न्यूज़ अपन ने डाली है वो एकदम ऑथेंटिक रही है। आप क्योंकि मैं भी खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मैं क्यों फेक न्यूज़ फैलाऊँगा। लोग एक दिन की 10 वीडियो बना रहे थे, मैंने 10 दिन में एक वीडियो बनाया, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक डालेंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये रिट से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नियुक्तियाँ हैं वो रिट की जो याचिकाएँ चल रही हैं, जो केस चल रहे हैं, उनके जो जजमेंट्स आएंगे उनके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो नियुक्तियाँ हैं उनके रिट के जो जजमेंट आएंगे उनके हिसाब से उसमें कुछ बदलाव आगे जाके किया जा सकता है। पहला पॉइंट यही कहता है, मतलब अगर रिट वाले जी, क्योंकि हमको तो हटाने से रहे वो, पर उनका जब अगर जजमेंट आता है, उनका अगर नहीं रहता है तो वो सब क्लियर है। अगर उनको अलाउ कर देते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएंगी, क्या प्रोबेश, क्या उनके लिए नियम होंगे, कैसे क्या चेंजेस किए जाएंगे, तो ये भर्ती उसके अधीन अभी भी रहेगी। हम रिट से अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, हमारे पास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो ज्वाइनिंग ले रहे हैं। देख लीजिए, 54 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई है, तो इनको तो अब हटाने से रहे, पर जो भी स्टेप ले जाएंगे ये भर्ती अभी भी उसके अंडर में आती है, ये इस बात को क्लियर करता है। दूसरा है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेशन आपका पीरियड जो है वो 6 महीने का होता है फर्स्ट टर्म के लिए। जब आप 6 महीने में अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं तो आपका फिर अगले 2 साल के लिए इसको, मतलब इसको बढ़ाया जाता है 18 महीने के लिए। कुल मिला के ये 2 साल का होता है, पहले 6 महीने और 6 महीने के बाद 18 महीने, तो ये 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसमें आपको जो आपकी 14,600 Level 5 की पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाती है। चौथा है कि अभ्यर्थीगण द्वारा जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, हो चुका है, और इसके आधार पे आपको अस्थायी नियुक्ति दी गई है। ये स्थायी नहीं है क्योंकि ये प्रोबेशन पीरियड है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ हो सकता है, उस समय सत्यापित कर लिया, उस समय ध्यान नहीं दिया कोर्ट ने, या फिर उस समय वो ठीक से सत्यापित ना हुआ, उसकी दोबारा कभी जाँच हो गई और वो फर्जी निकलाया, तो आपको बिना सूचना के आपकी समाप्ति, मतलब आपके जो सेवा की समाप्तियाँ हैं वो कर दी जाएंगी, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि सत्यापन अच्छी तरीके से एक बार में हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये है। अगला पॉइंट पांचवा ये है कि आपको जो पुलिस सत्यापन के लिए प्रस्तुत की गई जो आपने सूचनाएं दी है, जिसमें शामिल है आपका एक एफिडेविट, जिसको अपराधी वाला जो एफिडेविट आपने बनवाया होगा सभी ने, 8 पॉइंट वाला, जिसमें आपने नहीं नहीं और इंग्लिश में नो 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 करके एक बनाया होगा, वो आपने दिया है। उसके बाद में आपने एक तस्दीक लेटर दिया है, इन सभी का सत्यापन होना जाए होएगा। सत्यापन होकर अगर ये गलत निकलता है तो ऑब्वियसली बात है फर्जी कुछ भी निकलेगा तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अब बात आती है कि हमको करवाना है या खुद हाईकोर्ट करवाएगा। देखो, इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि हाईकोर्ट करवाएगा, और इसमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि हमको करवाना है, ठीक है। इसमें दोनों बातें दी हैं कि सूचना और सत्यापन सही नहीं पाए जाने पर, मीन्स शायद ये हमको ही करवाना होगा,
शायद, देखो अभी क्लियर नहीं है, मैं अभी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो इस लाइन के हिसाब से यही है कि शायद हमें वहाँ पर जमा करवाना होगा हमारा पुलिस सत्यापन, जो हम खुद करवाएंगे, और वहाँ पर उसको फर्जी ना घोषित किया जाए, इसका ध्यान रखना, फर्जी मत बनवा लेना। छठा है कि आपके जो चिकित्सा व्यय होंगे, मतलब RGHS आप पे ज्वाइनिंग के दिन से लागू हो जाएगा। सातवां पॉइंट है पेंशन, तो मतलब आपकी जिस दिन आप ज्वाइन करोगे तब से आप पे पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2014 के बाद से लागू कर दी गई थी वो आप पे लागू हो जाएगी। आठवां है आपको 7 दिन के भीतर इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। नौवां है जो भी नियम आगे आने वाले समय में बनाए जाएंगे वो आपके ऊपर लागू होंगे, चाहे से वो राज्य सरकार बनाए या हाईकोर्ट। अब दसवां है, इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी को जो है ज्वाइन करने से पहले नियम 10 के तहत बना हुआ एक सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा कि ये नियम क्या है, पर मैं आपको ये नियम बताने वाला हूँ। जो राजस्थान सेवा नियम की बुकलेट है उसमें से हम ये नियम 10 पढ़ेंगे, अभी आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात रही कि हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, उसकी बात करता हूँ। देखो जिनका भी 54 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उनको लेटर डिस्पैच कर दिए गए हैं, साफ लिखा हुआ है, इसकी जो प्रतिलिपि है और जो सूचनाएं हैं संबंधित जो भी कैंडिडेट है उसको प्रेषित कर दी गई है, उनके सभी के नाम और उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, तो इनको जो है वो पोस्ट कर दिया गया है। उसके अंदर आएंगी क्या सूचनाएँ हैं, तो आप जब तक थोड़ा सा वेट और कर लें, कल तक का हो सकता है हमें कोई लेटर ज़रूर, आप में से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आपके पास जब लेटर आए तो उसकी कॉपी या उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे हमें ज़रूर भेजना। टेलीग्राम आपका लिंक मैं इसमें डाल रहा हूँ, लिंक में हमको ज़रूर भेजना ताकि हमको पता चल जाए। तो जितनी भी आवश्यक जानकारियाँ होंगी वो उसके अंदर आएंगी, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी आएगा, उसके अंदर मेडिकल के बारे में भी आएगा, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं इसके बारे में भी आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात है कि आपके अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के कब आएंगे, तो देखिए जो ऑर्डर गए थे, ये डिस्ट्रिक्ट लिस्ट गई थी वो जोधपुर से गई थी, क्योंकि जोधपुर जिला न्यायालय पास में ही है इसलिए आज की आज जारी हो गई है। आने वाले दिनों में कल और परसों, ये अनवरत अब चलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता, हो जाएगा। कल भी लिस्टें आएंगी और परसों भी लिस्ट आएंगी, तो उम्मीद रखिए जैसे जैसे अब जोधपुर की आज आ गई है, ये जोधपुर ग्रामीण की आई है, कल जो है जोधपुर की मेट्रो वन आ सकती है। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है सभी जो आसपास के जो पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिला न्यायालय हैं उनकी लिस्टें उनके वापस पहुँच गई है, उसको सिर्फ अब अपलोड करना बाकी है। अब मैं इसकी सत्यता की बात कर लेता हूँ कि ये एक सच्चा लेटर है या नहीं है, तो ये देख लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जोधपुर की ई कोर्ट साइट का स्क्रीनशॉट है जो मैंने अभी लिया है, क्योंकि मैंने जब ये फाइल डाउनलोड की थी यहीं से की थी। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ क्लर्क ग्रेड सेकंड। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ई कोर्ट साइट पर जाइए और जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करके आप ये लिस्ट निकाल सकते हैं। ऐसे ही सभी ज़िलों की लिस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट की साइट पर अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। जोधपुर हाई कोर्ट की जो JJ वाली लिस्ट है वो जोधपुर हाईकोर्ट जो अपनी साइट है RHC वाली वो वहाँ पर अपलोड होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना। बाकी जिलों की भी लिस्ट आती होगी, आप सभी अपना जो भी ज़रूरी सामान है, जो कुछ आपको लाना है करना है वो आप प्लीज़ कर लीजिए और धैर्य बनाए रखिए। और अगर आपको कोई सूचना देता है तो थोड़ा उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि सूचना सिर्फ सूचना होती है, आप उसको उसके टाइम से पहले आप गलत ठहरा देते हो तो हमको भी फिर बुरा लगता है कि हमें, देखो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ, मुझे मेरी न्यूज़ से मतलब है, मुझे आपके से क्या मतलब है, ठीक है। पर सभी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, तो इस चक्कर में ये चैनल बनाया गया था कि आप सभी को जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। पर कुछ लोग जो है वो विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतम जो सब्सक्राइबर रहे, जितने भी भाई बहन रहे, सभी ने मेरा मनोबल बढ़ाया ही है, घटाने वाले तो एक आदि थे, तो आप सभी का धन्यवाद। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, चैट ऑन है। धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पोस्ट कीजिए, हम वहीं पर तत्पर बैठे हैं आपके लिए। शुक्रिया।